हजार का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे, छूट के साथ हम जिएंगे तो केवल कोरी कल्पना लेके खत्म हो जाएंगे, सत्य के साथ जिएंगे तो मोक्ष भी प्राप्त कर जाएंगे। तो ऐसे झूठ यहाँ पे कोई ना रखे। मैं स्वामी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, एक बहुत बड़ी गौशाला का संचालन करते हैं स्वामी जगन्नाथ जी महाराज, और उनको भी मैं नमन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम की एक टीम हमने गठित की है, पिछले कार्यक्रम में भी वो टीम थी, जिसके अंदर एक कैंसर रोगी को मैंने मुख्य है, सबसे कम उम्र की बिटिया है, एक बार खड़ी हो जाए, बिटिया है यहाँ पे, एक बार भेजो बेटी को, ये इस टीम की मुखिया है। बहुत सारे लोगों से पसंद आते हैं, तो भी हम आते हो हमसे ज्यादा वेरीफाई करने वाले, मुखिया ये है, इन्हीं के नेतृत्व में स्वामी जी काम करेंगे और इन्हीं के नेतृत्व में एडवोकेट और साथ में भगत जी बैठे हैं, नाम भूल जाता हूं मैं माफ करना, और डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये लोग वेरीफाई करेंगे। और इस कार्यक्रम का मेरे लिए, अगर मेरे लिए इस कार्यक्रम में पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, तो मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा मेरी बहन है नीरज, एक बार वो खड़ी हो जाए। ये आधुनिक लोग, मैं कहता हूं कि कैंसर की क्रांति की जब बात आएगी तो झांसी की रानी के साथ इनका नाम आएगा। इस बहन ने अपना पति खोया है कैंसर से, और सिर्फ सत्य समाज के सामने आए इसी उद्देश्य से ये बहन यहाँ पर उपस्थित है, और आप सबको जो भी पुरस्कार दिए जाएंगे सब इस बहन की तरफ से दिए जाएंगे। आयुर्वेद के विषम पितामह, चिकित्सा जगत के हजारों शिष्य इनके आज भी हैं, और इनका कीमती समय हमें मिला उसके लिए हम इनके आभारी हैं, और मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ जिनका नाम सुन पाए उनका नाम ले पा रहा हूँ, बाकी देश के विभिन्न
राजीव दीक्षित के महानतम सिद्धांतों को विश्व भर में प्रसारित प्रसारित करने में संलग्न आप सभी को अंदर विद्यमान महानात्मा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। यह परम सौभाग्य मेरे लिए है कि आज सम्मान्य श्री राजीव दीक्षित जी के जन्मदिन पर उनका निर्वाण दिवस भी है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली, तो उनके इस पावन अवसर पर इस महान क्रांति को उनका राजीव दीक्षित जी के सिद्धांतों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए इस महान क्रांति के अवसर पर दो शब्द आपके सामने बोलने का सौभाग्य मिल रहा है। राजीव दीक्षित जी का नाम मिलते ही मुझे याद आता है जिन दिनों जिस समय वो अपना शरीर पूरा हुआ, ठीक उससे दो दिन पहले सामने विद्यापीठ वहाँ पधारे हुए थे, मैं हरिद्वार में था। दो शब्द यहीं से मैंने उनके सम्मान में कहा कि आप हमारे कर्मभूमि में हमारे कार्यस्थल पर पहुँचे, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो उनकी जो मंगलवाणी थी, उनकी जो प्रेरणा थी, उनका जो मेरे प्रशंसा के वचन थे, आज भी मेरे कान में गूंज होते रहते हैं कि सोमदीप जी आपने बहुत बड़ा काम शुरू किया है और देश के उत्थान के लिए इस समय गुरुकुलों की गुरुकुलता की अपने जो आर्ष परंपरा है उस परंपरा के प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है और हम सब मिलकर इस काम करेंगे। लेकिन दो दिन बाद जब तक समाचार मिला, दो तीन दिन बाद, तो उस दुखद समाचार को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और उसे बलिदानी का, जिस क्रांतिकारी का शरीर पूरा होना, ये उनका अवसान नहीं होता है। महाकवि भर्तृहरि ने कहा है कि जयंती देर सिद्धा कविस्परा नास्ति क्षमेश काय जरा मरण जन्म है। और सुसिद्ध कविस्पर लोग कभी नष्ट नहीं होते। जो तानवीर हैं पारद आदि रस में आप लोग जानते हैं, उनकी भी चर्चा की उन्होंने, तो ऐसे मनुष्य लोग जिन्होंने संपूर्ण जीवन अपना समाज के लिए, देश के लिए, अपनी परंपरा की रक्षा प्रचार प्रसार के लिए अर्पित कर दिया, वो प्रत्येक व्यक्ति में, हम में, भाई कमलकांत जी आप में, सब में राजीव दीक्षित जी ही बोल रहे हैं। ऐसे अमर राजीव दीक्षित जी के चरणों में उनके जो सिद्धांत थे, मुझे जब भी समय मिलता है यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे व्याख्यान आप सबको जानते हैं, उनको अवश्य सुनता हूँ। राजीव दीक्षित जी इस जो विश्वगुरु भारत के चित्रकार थे, अपने जो गौरवास्पद भारत की जो वैभवपूर्ण इतिहास था उसके वो उद्भावक थे। अपनी एक जो विश्व में प्रतिष्ठा थी, चाहे ज्ञान के संबंध हो, चिकित्सा के संबंध में हो, राजनीति के संबंध में हो, उन सब के वो पुनः प्रतिष्ठापक थे, एक नवजागरण के पुरोधा थे। ऐसे मनस्वी के जन्मदिन के अवसर पर आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। आज की परिस्थितियों में राजीव दीक्षित जी के एक एक बात को, एक एक सिद्धांत को बच्चे से लेकर के बुद्धों तक सब तक प्रचारित प्रसारित करने की बात है। उन्होंने जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास था, अपना जो गौरवपूर्ण ज्ञान विज्ञान था, उसको फिर से पुनः प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक स्थिति के संबंध में हो, अपने भारतीय सामाजिक राजनीतिक आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में हो, उन जो जितना उनका रिसर्च है, जो गवेषणा है, संपूर्ण जीवन उसके लिए जो उन्होंने केंद्रित किया है, उन सब बातों को बच्चे बच्चे तक, मानव मानव तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ये जो भारतीय संस्कृति है केवल भारत के लिए नहीं है, हम कहते हैं साहब प्रथमान संस्कृति विश्व भारत, विश्व वर्णीय, संपूर्ण विश्व के लिए वर्णीय भारतीय संस्कृति है। और उस भारतीय संस्कृति का, उस वैदिक संस्कृति का, उस आर्य संस्कृति का एक एक अंग, एक एक पहलू संपूर्ण मानव जाति के उत्थान कारक है, संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारक है। चाहे हमारा उठने बैठने का हो, चाहे हमारा भोजन का हो, चाहे हमारे पहनने का हो, चाहे हमारे सांस्कृतिक मूल्य हो, चाहे हमारे ज्ञान विज्ञान हो, हमारे दार्शनिक सिद्धांत हो, हमारे वेद के सिद्धांत हो, वो सारे के सारे सिद्धांत समस्त विश्व कल्याण के लिए हैं, मानव जाति के कल्याण के लिए हैं। और उसी मानव जाति के कल्याण के निमित्त उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए कर दिया। गुरुकुल शिक्षा पर पद्धति के पुनरुत्थान के लिए उन्होंने जो काम किया, जो प्रचार प्रसार किया, वो अविस्मरणीय होगा। वो आप अने जो डेटा देते हैं, मैं तो हर एक व्याख्यान में इस चीज़ को, उनके इस बात को उपस्थापित करता हूँ। माने जब अंग्रेज आए थे, लौट निकाले आए थे, उस समय भारत की शिक्षा का जो साक्षरता का दर था, जो शिक्षा के प्रतिशत था, कि कहीं पर 98%, कहीं पर 95%, कहीं पर 85%, न्यूनतम 82% भारत में शिक्षा प्रतिशत था। और जो आज सबसे बड़े विकसित देश अपने आप को मानते हैं, वहाँ केवल 17%, 17
और शिक्षा के नाम पर केवल बाइबल का पाठ और अपने यहाँ जो ज्ञान विज्ञान 18 विद्याएं 64 कलाएं उन सब की शिक्षा दीक्षा और सभी उसके प्रचारक थे। आज हम शिक्षा के स्तर में स्वतंत्र भारत में इतनी उन्नति करने के बावजूद आज आवश्यकता है मानव को शिक्षित शिक्षित पुनः करने की। शिक्षा के नाम पर केवल एक हम आजीविका व्यक्ति कैसे कमा ले, दो रोटी कैसे कमा ले, अपना पेट कैसे भर ले, दो पैसे कैसे कमा ले, केवल बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ सबसे पहले शांग वेद अंग वेद समस्त अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन सभी के लिए निष्कारण धर्म होता है। क्यों? मानव जाति का उत्थान एक संपूर्ण मानव का विकास जब तक नहीं हो सकता तब तक मानव जाति का उत्थान पूर्णतः नहीं हो सकता। हम पैसे कमाना ही केवल शिक्षा का उद्देश्य रह गया है जबकि हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी वो एक संपूर्ण मानव एक परिपूर्ण मानव अपने अंदर जो भी दैवी संभावनाएं हैं उन समस्त दैवी संभावनाओं को विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य होता था और उस मूल उद्देश्य के भूलने के कारण आज हमारे चाहे सामाजिक स्थिति हो राष्ट्र स्थिति हो उनकी जो दुर्गति है उन सबसे पहली बात परिचित है। आज चिकित्सा क्षेत्र में आप लोगों ने कैंसर के विषय विशेष विषय के रूप में इस समारोह का आयोजन किया है। मुझे कहते बड़ा कष्ट हो रहा है सब डॉक्टर आज तक मैंने भारत के सर्वाधिक कैंसर पीड़ित डिस्ट्रिक्ट था बठिंडा जहाँ पर मैं जानता हूँ और इस समय मेरी जन्मभूमि मेरे ही जिले संबलपुर जिला है वो भारत का सर्वाधिक कैंसर पीड़ित डिस्ट्रिक्ट है जी सम कारण वहाँ भरपुर डैम में आप जानते हैं 2 बार धान की खेती होती है और इतना बुरी तरह से वो लोग केमिकल जो पेस्टिसाइड है फर्टिलाइजर इतना प्रयोग करते हैं आप वहाँ का चावल नहीं खा सकते ऐसा लगता है कि खट्टा खट्टा कंकड़ खा रहे हैं। मैक्सिमम नाइट्रेट कंजम्पशन है मैक्सिमम नाइट्रेट कंजम्पशन जी तो उसका परिणाम स्वरूप माने ये माने सर्वाधिक सुरक्षित और प्राकृतिक सुंदर प्रदेश था प्रदेश राज्य था संबलपुर हमारा बहुत सुंदर राज्य है जिला है किंतु इस दुष्चक्रों के कारण वो आज सर्वाधिक कैंसर से पीड़ित राज्य है। केवल उत्तराखंड की उसी लाइन में जहाँ तक मैंने समाचार पढ़ाया तो उत्तराखंड जिसको हम देवभूमि बोलते हैं देवभूमि के अमृत जल को अमृत मिट्टी को भी हम लोग विषमय बना करके यहाँ कैंसर ग्रस्त बना रहे हैं तो हम ये प्रगति कर रहे हैं विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं इसका विवेचन करने की बहुत आवश्यकता है। मैंने बहुत पहले पुस्तक पढ़ी थी आज भी मेरे पास पुस्तक समझ पर गई हूँ विज्ञान प्रगति या विनाश एक सरला बेन की पुस्तक है आप सभी लोग एक बार जरूर देखिएगा कि विज्ञान के नाम पर विज्ञान के नाम पर जो हम प्रगति कर रहे हैं जो विकास कर रहे हैं वो विकास कर रहे हैं या विनाश हो रहा है इसका अच्छी तरह से विश्लेषण विवेचन होना चाहिए। और जो अपने ऋषियों की परंपरा है जो आयुर्वेदिक परंपरा है आयुर्वेद अमृता नाम कहा करते थे आयुर्वेद हमारे अमृत विद्या है इस अमृत विद्या का प्रचार प्रसार हो और जो भी आज समाज में हमारे विनाशकारक तत्व हैं चाहे हमारे भोजन के माध्यम से आचार व्यवहार के माध्यम से हमारे शिक्षा के माध्यम से विदेशी षड्यंत्र के माध्यम से पाश्चात्य पद्धति वाला एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जो भी इस देश को कमजोर बनाने के लिए इस देश को दुर्बल बनाने के जो अनेक प्रकार के षड्यंत्र सूक्ष्म षड्यंत्र जिसको हम लोग सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति भी नहीं समझ सकते ऐसे षड्यंत्र संचालित हो रहे उन षड्यंत्रों के विरुद्ध हम सब लोगों को काम करना चाहिए। और राजेंद्र दीक्षित जी का जन्म मैं समझता हूँ इसी के लिए हुआ था इस सभी प्रकार के जो षड्यंत्र विदेश के माध्यम से चाहे देश के माध्यम से चल रहे हैं उन सभी षड्यंत्रों को पर्दाफाश करके देश को फिर उस विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठापित करना ही उनके जीवन का एक महान लक्ष्य था और उसी के लिए वो आज निरंतर है। कितना वो भयंकर सिद्धांत बागी थे हम समझ सकते हैं। मेरा छोटा भाई डॉक्टर सुभाष नायक जी उनके साथ था उन्होंने कहा आचार्य जी आपका स्वास्थ्य ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं है कुछ हृदय संबंधी समस्या हो सकती है उनकी जो उन्होंने बार बार कहा कि एलोपैथिक चिकित्सा कर लें कोई दवाई ले लें किसी डॉक्टर को दिखा दें नहीं वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए मैं अपने आयुर्वेद चिकित्सा से अपने होम्योपैथी से ठीक कर लूँगा चिंता मत करो मुझे कुछ भी नहीं होगा ऐसा जो दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति हो जो जिस बात को कहता है उस बात में जीता है ऐसे वीर महावीर महाक्रांतिकारी राजेंद्र दीक्षित जी के चरणों में हम सब लोग कृतज्ञ हैं नमन हैं और उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी एक संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक है सूर्य की पूजा हम लोग दीपक से करते हैं अर्कम अर्चन के दी गई समुद्रम कुसुमाकरण कुसुमी वाचा सूर्य को हम लोग दीपक दिखा करके उनकी अर्चना करते हैं
समुद्र देवता वरुण देवता को जल अंजलि देकर के उनकी अर्चना करते हैं और कुसुमाकर जो कामदेव है उनको पुष्प अर्पित करके करते हैं और जो वाणी के विधि ज्ञान के विधि वाक्य बृहस्पति हैं उनको भी हम सुंदर वचनों से उनको प्रणाम करते हैं और जो राजे दीक्षित संपूर्ण जीवन जिन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति ज्ञान विज्ञान अपने सांस्कृतिक पहलुओं को प्रचार प्रसार के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया ऐसे महामानव के चरणों में श्रद्धांजलि यही होगी जो उनके सिद्धांत हैं उन सिद्धांत को हम लोग जिए जन जन तक उसको प्रसारित प्रसारित करें विश्व भर में उसको प्रचारित प्रसारित करें और समग्र मानव जाति के कल्याण चाहते थे सबका विकास सबका उत्थान चाहते थे उस विकास के लिए हम लोग अपना जीवन समर्पित करें उन विचारों को जन जन तक प्रसारित करें ये उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ हम सबको ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें उनके महान सिद्धांतों को उनका अलग सिद्धांत नहीं था अपनी जो भारतीय परंपरा अपनी जो अग्नि आदित्य अंगिरा से लेकर के जो ऋषियों की परंपरा थी उस ऋषियों की परंपरा को प्रचार प्रसार करने में विश्व का कल्याण करने में उन्होंने अपना जीवन आहुत किया हम भी अपने पूरे सामर्थ्य से इस महान कार्य को आगे बढ़ें ये इनके सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ओम डॉक्टर सोमदेव जी का मैं और आभारी हूँ कि उन्होंने अपना एक पारंभिक उद्बोधन आज इस मंच से दिया और इनसे प्रेरणा पा करके हमारे जो कैंसर के चिकित्सक वैद्य जो आए हैं वो एक नई दिशा समाज को दे हमारे बीच पृथ्वीराज फाउंडेशन दुबई से उनके प्रतिनिधि आए हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका सहयोग बिल्कुल के सभी कार्यों में रहता है तो मैं पुनः उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आप बधारे। अब हमारे बीच डॉक्टर सुनील जी जोशी भी पधारे हैं जिनका कुलपति हैं उत्तराखंड विश्वविद्यालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय के और कैंसर पर भी अपना शोध अपना विषय इनका चलता रहता है आज हम सबका मार्गदर्शन के लिए पधारे उनका भी मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है और मैं डॉक्टर सुनील देव जी से प्रार्थना करूंगा कि वो भाई राजीव दीक्षित जी के चित्र पर पुष्प चढ़ा करके उगे एक मेरा सभी से आग्रह है कि जो वैद्य आए हैं चिकित्सक अपने यहाँ पधारे हैं वो सब अपना डाटा गेट के ऊपर लिख रहे हैं अगर कोई नहीं दिए तो वहां पर दे सकते हैं ताकि सभी के डाटा उपलब्ध हो जाए तो उसी हिसाब से हम क्योंकि सत्यता पर रहेंगे हमने चाहे एक पेशेंट ठीक किया वो भी मानवता के लिए उसी से हम क्योंकि अपना काम शोध का कार्य है शोध तो करेंगे आने वाले समय में तो जो शोध के विषय के तो वहां किस गणित सूत्र का प्रयोग हुआ किससे वो कैंसर ठीक हुआ वो सब आएगा ठीक डाटा सबके पास उपलब्ध होंगे तो आप सब तो अपने डाटा की एंट्री के लिए गेट पर रखवा दें जो महानुभाव पता पहुंच रहे हैं वहां करके अपना स्थान ग्रहण करते जाए क्योंकि कार्यक्रम निर्वाध और समय पर प्रारंभ हुआ है निर्वाध गति से चलेगा और मैं आप डॉक्टर सुनील जी चौधरी कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि अब वो भी अपना उद्बोधन करेंगे। जिसने सामान्य जन तो आप पूरे भारतवर्ष के पूरे विश्व के सामान्य जन को तो प्रभावित किया ही किया हम जैसे चिकित्सकों को भी प्रभावित किया और जिनकी विचारधारा से हम लोगों को भी लगा कि निश्चित रूप से हम लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ चिकित्सा तक नहीं बल्कि लोक शिक्षण तक भी है
और जन जन को कैसे स्वास्थ्य संरक्षण का पाठ पढ़ाया जाए ये भी हम लोगों ने उनसे सीखा, क्योंकि जितने भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय होते हैं वो एक निश्चित पाठ्यक्रम के हिसाब से अपना कार्य करते हैं, और चिकित्सालय भी इसी ढंग से होते हैं कि भाई हमारा एक सेटअप होता है, उस पर हम लोग विभिन्न प्रकार की चिकित्साएँ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं और या कई अनछुए प्रश्न रह जाते हैं जिनका हम लोग कभी भी हम लोग पढ़ते नहीं हैं। और मैंने अक्सर देखा सुना है कि जब भी राजीव दीक्षित जी बोलते थे तो विशेष रूप से उनका जो आधार ग्रंथ आयुर्वेद का रहता था वो वाग्भट संहिता रहती थी, और उसके अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह का विशेष एक तरह से उल्लेख किया, उसका परिपालन उनके द्वारा विशेष रूप से किया जाता था। वैसे तो वो आयुर्वेद के सभी ग्रंथों के उद्धरण और उनके हिसाब से अपना व्याख्यान देते थे, लोगों को प्रेरित करते थे, लेकिन विशेष रूप से क्योंकि मैं उसका एक कारण बताना चाहूँगा कि जैसे सुषुप्त बृहदारण्यक जल की बात जब हम आयुर्वेद में करते हैं तो चरक संहिता, सुषुप्त संहिता और वाग्भट संहिता की हम लोग बात करते हैं। चरक संहिता एक सांख्य से दर्शन से संबंधित ग्रंथ है और चिकित्सा का एक बहुत जो हायर स्टडीज का है, एक तरह से बहुत जो टॉप लेवल की बात जो होती है, जो कि दर्शन शास्त्री समझ सकते हैं या आयुर्वेद का कोई बहुत बड़ा विद्वान उसको समझ सकता है, तो ऐसे गूढ़ पक्ष भी चरक संहिता में है और सुषुप्त संहिता शल्य चिकित्सा का ग्रंथ है, विशेष रूप से शल्य चिकित्सकों के लिए लिखा गया है। लेकिन जब हम अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय की बात करते हैं तो एक ऐसा ग्रंथ जो कि जन सामान्य को भी आयुर्वेद से संबंधित सभी ज्ञानों को आसानी से, तो जितनी भी सूचना है वो आसानी से दे सकता है, और उसी को आधार बनाकर राजीव दीक्षित जी ने पूरे देश में एक स्वास्थ्य की क्रांति पैदा की। हम सब उनके कृतज्ञ हैं और आज हम उन सभी को, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं हम लोग मिलकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं इस आज कार्यक्रम के अवसर पर। हमारे यहाँ का भी आप लोगों ने उद्बोधन सुना, हमारे अत्यंत प्रिय अत्यंत सम्मानित प्रोफेसर सोमदेव सतासी जी जो कुलपति हैं गोकुल कामले विश्वविद्यालय के, और हमारे इस हॉल में बहुत सारे जो देश पूरे देशभर से लोग आए हैं, हमारे बीच में हमारे दो साथी डॉक्टर उदय पांडे और डॉक्टर राजीव हमारे मध्य उपस्थित हैं, और ये हमारे यहाँ कैंसर यूनिट है जो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से चलाई जाती है, उसमें कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं इसके बाद जब समय होगा तो वो अपना प्रेजेंटेशन भी देंगे कि हम लोग उसमें क्या करें। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कैसे हम सबको स्वस्थ रखें, इसकी चिंता आदरणीय राजीव दीक्षित जी को थी, और जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत हैं कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण और आतुरस्य विकार कशमनम, कि स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखा जाए, ये अपने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि चिकित्सा के माध्यम से ही हम उसको स्वस्थ रख सकते हैं, जबकि हम सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा या दवाइयों के माध्यम से जब हम व्यक्ति को स्वस्थ रखने की चेष्टा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके बहुत सारे दुष्प्रभावों को झेलते हैं। और ऐसी स्थिति में जब हम समग्र स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं या सबके लिए स्वास्थ्य की बात करते हैं, यदि हम कहते हैं कि सबके लिए स्वास्थ्य की जो परिकल्पना है यदि वो सिद्ध करनी है, तो यदि आप चाहें कि 100 एम्स खोल लें, 200 एम्स खोल लें, तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि कोरोना के काल में आपने आयुर्वेद की उपादेयता को भी देखा है और एलोपैथिक साइंस की सीमाओं को भी देखा है। एक भी दवाई कोई कोरोना में यदि आप देखें कैसे हम लोग प्रोटोकॉल चेंज कर रहे थे, कभी हम डॉक्साइक्लिन दे रहे थे, कभी कोई रेमडेसिविर दे रहे थे, कभी प्लाज्मा दे रहे थे, कभी कोई सारी औषधियाँ दे रहे थे, लेकिन किसी भी दवाई का कोविड पर कोई प्रभाव नहीं था। जबकि पूरे विश्व में यदि हम बात करें तो सारे विश्व में भारतवर्ष की स्थिति सबसे अच्छी थी निश्चित रूप से, उसमें हमारी जितनी भी मेडिकल टीमें हैं उनका भी योगदान था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी योगदान था, समय पर लिए गए डिसीजंस हमारे थे, लेकिन उसके साथ साथ कहीं एक ऐसी परंपरा हमारे साथ थी जिसका हम लोगों ने प्रयोग किया, और एक ऐसी चिकित्सा पद्धति थी जिसका हम लोगों ने घर घर प्रयोग किया, और हम अपने अपने और अपने लोगों को और अपने को बचा सके। तो आज आपने देखा होगा कि पूरे चीन में बहुत बड़ा एक तरह से आंदोलन हो रहा, और वहाँ के राष्ट्रपति की जो कोविड नीति है उसके विरुद्ध में हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं और
सेना की सड़कों पर है, ऐसा आज भी वो उनके यहाँ हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आज हम और आप सामान्य स्थिति में यहाँ बैठे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका श्रेय हमारी वैदिक चिकित्सा पद्धतियों को जाता है, आयुर्वेद को जाता है, योग को जाता है, मर्म चिकित्सा जैसी पद्धतियों को जाता है। और पूरे विश्व में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। जबकि आप देखें, यदि चिकित्सा का परिदृश्य देखें, तो पूरे विश्व की जो चिकित्सा परिदृश्य है, चाहे अमेरिका का है, इटली का है, जापान का है, इंग्लैंड का है, इनकी जो चिकित्सा की स्थिति है वो हमसे कई गुना ज़्यादा एडवांस कंडीशन में ये लोग। जब हम लोगों ने कोरोना का प्रारंभ हुआ तो हमारे पास न तो मास्क था, न किट थी, और न कोई एक औषधि थी जिससे हम लोग कोविड का मुकाबला कर पाते। हमारे पास आपने देखा होगा SPO2 नापने के लिए हमारे पास आपने सबने पल्स ऑक्सीमीटर लिया, और लाखों करोड़ों में समझता पता नहीं 70-80 करोड़ लोगों ने ये पल्स ऑक्सीमीटर, जो भी खरीद सकता होगा उसने पल्स ऑक्सीमीटर खरीदा। आप पता होगा पल्स ऑक्सीमीटर कहाँ था, आप लोगों ने सभी ने खरीदा होगा, लेकिन आज किसी को पता है कि पल्स ऑक्सीमीटर कहाँ था? वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से उद्योग के रूप में वो काम आया। सारी की सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि मास्क 400-500 रुपये का बिकता था, आज वो फ्री में या 2-4 रुपये का उपलब्ध होता है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र एक चिकित्सा के नाम पर पूरे विश्व में किया जा रहा है, और उसका पर्दाफाश करने का काम भी हम आदरणीय राजीव दीक्षित जी ने किया। और हम समझते हैं कि पूरे विश्व के लोगों को, कम से कम भारत के लोगों को, जैसे एक जागरूकता फैलाए कि भाई कम से कम हमें अपनी तरफ भी देख लेना चाहिए। यदि मैं कहूँ कि जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो माता जो होती है उसके बैग में किताबें रखती है, उसके नैपकिन रखती है, पानी की बॉटल रखती है, खाना रखती है, और सारी चीज़ें वो आवश्यक जो बच्चे के लिए होती वो रखती है। लेकिन यदि बच्चा उस बैग को न खोले और भटकता रहे भूख से प्यास से, तो ये माता की गलती नहीं है, बल्कि गलती उस बच्चे की है कि जो भी इधर उधर भटक रहा है लेकिन अपनी माँ के द्वारा दिए गए बैग को नहीं ले। इसी ढंग से आज मनुष्य की वो स्थिति है कि हम देख प्रकृति है जो सुविधाएँ, जो चिकित्सा, जो पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग, चाहे मर्म के रूप में हो, योग के रूप में हो, आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में हो, हमारे चारों तरफ जो जड़ी बूटियां हैं उनके रूप में हो, उसको हमने कभी उसका प्रभाव नहीं देखा, उसको उसका परीक्षण करके नहीं देखा, और हम निश्चित रूप से परेशान हैं और भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं इस चिकित्सा से कि भाई किसी माध्यम से भी हम लोग ठीक हो सके। कोई भी कागज, कोई भी एक साधन हमको मिल जाए, कोई भी कहता है कि इसको करने से होगा, ऑपरेशन कराने से होगा, वैक्सीन कराने से होगा, ये कीमो से होगा। आप जानते हैं कि कैंसर का जैसे यदि संदर्भ की हम लोग बात करते हैं तो कैंसर का मतलब है असाध्य रोग। कैंसर का मतलब एक समूह है रोगों का, जिसको हम कैंसर एक विशेष व्याधि को नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम कैंसर की बात करते हैं तो उसमें ट्यूमर्स भी होते हैं, उसमें ब्लड कैंसर भी होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं होती सामान्य रूप से, और उसको हम लोग कैंसर कहते हैं। और आयुर्वेद में लिखा है कि भाई जो वात पित्त कफ रक्त मांस और मेद से ये 6 तरह का अर्बुद होता है। अर्बुद का मतलब ट्यूमर की बात हम लोग करते हैं, जब हम ट्यूमर की बात करते हैं सामान्य रूप से सामान्य हर व्यक्ति को एक गांठ की बात करते हैं, चाहे वो गांठ टट्टी के रास्ते में हो जाए, मुंह के अंदर हो जाए, छाती में हो जाए, या आंखों में, या पेट में, या फेफड़े में, कहीं भी यदि गांठ के रूप में कोई चीज होती है तो हम उसको अर्बुद कहते हैं या ट्यूमर कहते हैं। और ये ट्यूमर 2 तरह का होता है, जिसको आइए हम मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो बेनाइन और मैलिग्नेंट की हम लोग बात करते हैं। भाई एक तो सामान्य रूप से कैप्सुलेटेड होता है, या उसका जो ग्रोथ होती है सामान्य रूप से बड़ी धीमी धीमी होती है, वो कोई ऐसा नहीं होता कि उससे कोई मृत्यु होती है या कोई घातकता उसमें होती है। लेकिन दूसरी तरह का जो ट्यूमर होता है वो बहुत घातक होता है, तेजी से उसके सेल बढ़ते हैं। और वैश्य शिशु ने उसके लिए लिखा है कि यदि जब वात पित्त और कफ प्रबुद्ध होते हैं किसी भी कारणों से, यदि बढ़ते हैं अपने हेतुओं के दूषित होने से, जब वो दूषित होते हैं तो क्या करते हैं, वो सिराओं का आश्रय लेकर सिराओं को या तो संकुचित करते हैं या सिराओं को प्रसारित करते हैं, और वहाँ पर स्थान विशेष पर ये मांस को, मेद को और इन चीज़ों को, मज्जा को, इन सारी चीज़ों में जब ये स्थान संश्रय होता है और वहाँ पर एक तरह से गांठ बनाकर पैदा करते हैं, वो गांठ सामान्य रूप से बहुत तेजी से बढ़ती है या उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, और जब ये ऐसा होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये असाध्य अर्बुद की स्थिति होती है, और असाध्य अर्बुद को हम लोग सामान्य रूप से आज की भाषा में कैंसर कहते हैं। आपने देखा जैसे अभी सब भी बात कर रहे थे कि तेजी से कैंसर का प्रतिशत कितनी ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके पीछे के कारण को यदि आप कहें कि भाई 10-20-25-50 सेकंड में आप रेडियो थेरेपी जो है उसके
सेंटर खोलते हैं या कीमोथेरेपी की सारी निःशुल्क व्यवस्था करते हैं, तब भी आप कैंसर को ठीक नहीं कर सकते। कैंसर को ठीक करना होगा तो क्या उसके जड़ पर आघात करना पड़ेगा कि उसके जो मूलभूत कारण है वो कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे आए हैं, और उनको कम से कम जो व्यक्ति एक तरह से जानता है, यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति कम से कम 1,00,000 लोगों तक उसकी बात पहुँच सकती है। यदि हम हर व्यक्ति ये चाहें कि भाई इन चीज़ों के लिए जागरूकता विशेष रूप से लोगों में पैदा करें, तो हम इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक रोक सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि लगभग 20-25-30 साल का जो काल है वो निश्चित रूप से इसके उदय का काल है। पहले हम लोगों ने जबकि हम लोग मेडिकल फील्ड में हजारों मरीज हम लोग भी देखते हैं तो कैंसर के रोगियों की संख्या बहुत कम हुआ करती है, लेकिन जिस ढंग से कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ी है उससे ये लगता है कि एक निश्चित रूप से ये एक ऐसे महामारी का रूप, मतलब बहुत सारी संख्या में ये हो जाएगा तो बहुत परेशान करने वाली बात हो सकती है। आज भी यदि हम इसके मूल कारणों को देखें तो बहुत सारे कारण हैं। उसमें सबसे पहले जैसे हमने बताया कि खाने पीने की बात, आज हमारे घर में तो कोई खाने पीने की चर्चा नहीं करता ना, हमारे कैसा रहना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे हम लोगों को पानी पीना चाहिए, इसकी चर्चा कहीं नहीं होती, ना स्कूल में होती है, ना किसी हमारे पाठ्यक्रम में होती है, ना इसके लिए कोई एक तरह से CME कराई जाती है, ना कोई इसके लिए वर्कशॉप होती है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं उनके लिए हम बहुत सारा समय देते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी समय नहीं देते कि कितना हमको व्यायाम करना चाहिए, कौन कौन सी दवाई, कौन कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस स्थिति में कौन सा भोजन करना चाहिए। मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा कि आज शोध का क्या नज़रिया है। शोध के नज़रिए की जब हम चर्चा करते हैं कि अभी डॉक्टर ने कहा कि जैसे पेस्टिसाइड्स की बात हम लोग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं, और इनके माध्यम से जो भूमि प्रदूषण हो रहा है, जल का प्रदूषण हो रहा है, वो कैसे हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है, बड़ा सरल इसको समझना। मैं समझता हूँ कि मैं एक उदाहरण बार बार हर बार देता हूँ, जब भी मेरा व्याख्यान होता है, सामान्य व्याख्यान होता है, विषय से अलग व्याख्यान होता है, तो हम लोग सामान्य लोगों को बताने की चेष्टा करते हैं कि आज के वैज्ञानिकों का क्या एटीट्यूड है, उसको समझने की हमें चेष्टा करनी चाहिए, और उस जो एटीट्यूड है उससे बचने का प्रयास भी हमको करना चाहिए। और यदि हम कहीं नीति बनाने में हम लोगों का कहीं योगदान होता है तो हमें इन चीज़ों को 100% डिस्कार्ड करना चाहिए। आप लोगों ने नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम का नाम सुना होगा, मच्छर को भगाने के लिए जब मलेरिया हुआ तो ये संकल्पना की गई कि यह मलेरिया कैसे होता है, मच्छर से होता है, तो हम लोगों ने सबसे पहले कहा कि भाई हम मच्छर को मार देंगे तो मलेरिया कैसे होगा, और उसके लिए सबसे सरल उपाय क्या था कि DDT का छिड़काव करते थे। और हम लोग बचपन से देखते हैं, जब हम लोग छोटे थे, आज से 50 वर्ष पहले की बात, 50-60 साल पहले की बात है, जब हम लोग छोटे बचपन में थे तो देखते थे कि हर स्कूल में, स्कूलों में भी, हम लोग प्राइमरी स्कूल में होते, जो अंदर DDT छिड़कने वाले आते थे और कहते थे कि भाई ये मच्छर मर जाएंगे तो मलेरिया नहीं होगा, तो उन्होंने कहा न तो रहेगा मच्छर न रहेगा मलेरिया, इस उद्देश्य से उन लोगों ने काम किया। वर्षों तक DDT जैसे रसायनों का छिड़काव किया, लेकिन आपने देखा कि मच्छर बचा और मलेरिया खत्म नहीं हुआ। तो फिर हमने क्या कहा कि भाई देखिए साइंस, जो साइंटिस्ट होता है वो अपने ढंग से सोचता, और जब भी हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान का मतलब भारतीय विज्ञान की बात नहीं कर रहे, वैदिक विज्ञान की बात नहीं कर रहे, वो विज्ञान जो अपूर्ण है और विदेशों से आया है, और जो अभी जिसमें कुछ जिसका ABCD भी किसी को पता नहीं, थोड़ी सी चीज हुई और उसी का उन्होंने ढोल पीटना शुरू कर दिया, ऐसे विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। और उन्होंने फिर कहा कि भाई चलिए ये तो फेलियर हुआ, हम इसको स्वीकार तो नहीं करते, भाई नहीं मच्छर को मारने, ये उनका एक एटीट्यूड था। दूसरे साथ साथ उन्होंने कहा कि यदि हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यदि किसी में है, हर ये एक हीमोपैरासाइट है जिसकी वजह से हमारे में मलेरिया होता है, हम इसको यदि सबको यदि क्लोरोक्वीन या सल्फाडॉक्सिन दें और मास स्केल पर हर किसी को खिला देंगे, और यदि खून में से हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को खत्म कर लेंगे या प्लाज्मोडियम के जितनी वेराइटीज हैं उनको खत्म कर देंगे तो क्या मलेरिया फैल सकता है? तो उन्होंने सोचा नहीं फिर तो कैसे फैलेगा, तो उन्होंने मास स्केल पर दवाइयां खिलानी शुरू की। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों ने उस स्थिति को भी देखा होगा, हम जब बचपन में थे कुछ वर्षों के बाद स्कूल में क्लोरोक्वीन की गोली खिलाने वाली बहन जी आती थी, और यदि हम लोग उस दिन बाहर जाते थे कि भाई हमें पता है कि आज कल गोली खाने को मिलेगी, तो अगले दिन जो हेडमास्टर जी थे वो उस बच्चे के नाम की गोली रखते थे और एक थप्पड़ और मारते थे कि कल की गोली आए, समझ रहे हमारी बात। तो उससे भी उन्होंने प्रयास करके देख लिया और देखा
कि मलेरिया उससे भी नहीं मर रहा है। अब उन्होंने कहा कि मच्छर तो रहेगा, मलेरिया नहीं रहेगा पहले था, अब यह है कि मच्छर भी रहेगा मलेरिया भी रहेगा लेकिन आदमी नहीं रहेगा। समझ रहे मेरी बात आज की स्थिति है? और आज हम क्या कहते हैं कि आपने बड़े बड़े होल्डिंग्स देखे होंगे कि पूरी आस्तीन की कमीज पहनी है और जहाँ की पानी इकट्ठा है, दस हफ्ते दस दिन दस बजे के कार्यक्रम जब दिल्ली में चलता है कि अपने अपने घर में जितने भी कूलर है उसको खाली कर लीजिए, फ्लावर पॉट है उसको खाली कर लीजिए, बगल में कोई आपका कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें पानी इकट्ठा है उसका आप उसको खाली कर लीजिए जिससे कि मच्छर के लार्वा पैदा ना हो। और ये कहते हैं कि जब भी आसपास आपका कोई तालाब है तो उसमें मछली के लार्वा छोड़ दीजिए, मछली को वो छोड़ दीजिए तो वो उसके लार्वा को खत्म कर देता है, मछली छोड़ दीजिए छोटी मछलियाँ तो वो लार्वा को खत्म कर देती है, ऐसा उपाय करते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि जहाँ पानी इकट्ठा हुआ उसमें थोड़ा मट्टी का तेल डाल देते हैं तो जिससे ऊपर की सरफेस की जो ऑक्सीजन है खत्म हो जाती है, ऊपर उसको उसमें मच्छर है पैदा नहीं हो सकता, ऐसा कार्य करते हैं। और ये कहते हैं कि भाई मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल, नीम की पत्ती, नीम का इस्तेमाल और मच्छरदानी का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। भाई ये तो हम काम करते थे हजारों साल से, हम लोग काम करते थे यही उनको काम को करते थे। आपने इतना पूरा वर्षों 50 वर्षों का समय हमारा बर्बाद किया और वो जो DDT छिड़की थी वो कहाँ गई? वो फूड चेन में आ गई, मदर मिल्क में आ गई, हमारी पेरिटोनियल कैविटी में आ गई और उससे क्या हुआ? उससे म्यूटेशन हुआ। किस चीज़ का म्यूटेशन हुआ? जेनेटिक म्यूटेशन हुआ और कैंसर पता नहीं कितने हजारों लाखों रोगों को कैंसर करने का पाप उस शोध को जाता है जिसने वो DDT के माध्यम से वो पूरे वातावरण को दूषित किया, हमारे पानी को दूषित किया, हमारी जमीन को दूषित किया, हमारे खाने को दूषित किया और यहाँ तक कि माता के दूध को भी दूषित किया। ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी भूल एक तरह से तथाकथित वैज्ञानिकों के द्वारा की है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण जिसमें हम लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं बिना परीक्षण किए हुए इन औषधियों का सेवन कराया गया और इससे हम लोगों को नुकसान हुआ और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को फायदा कर सकती थी या जो हमारी सामान्य हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी उससे भी हम लोग कहीं कमजोर हुए और मच्छर ज़्यादा मजबूत हुआ। मच्छर कैसे मजबूत हुआ? पहले सिर्फ मलेरिया फैलाता था, अब क्या करता है? डेंगू, चिकनगुनिया, मायरा, जीका और वायरस भी अब आजकल फैला था। इसका मतलब मच्छर मजबूत हुआ, आदमी कमजोर हुआ और अरबों खरबों रुपये हम लोगों ने खर्च कर दिए। किसके किसके पैसे से खर्च किए? वो आपके और मेरे टैक्सी को खर्च किए, कहीं अपनी जेब से तो नहीं गए? और हम कैसे जो तथाकथित वैज्ञानिक हैं उनकी शोध के एक तरह से प्रवाह में बह गए और अपने लाखों करोड़ों लोगों तक हम लोगों ने कैसे पहुंचा दिया। एक चीज़ को ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको यदि हम समझेंगे तो कैसे कोई भी केमिकल हमारे शरीर का नुकसान कर सकती है और कैसे कैसे माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है ये आप समझ सकते हैं। दूसरा, जब हम केमिकल की बात करते हैं, पेस्टिसाइड की बात करते हैं, जब हम इसमें फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं और इन सब चीज़ों को कहने से कुछ नहीं होता कि हम कहते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन भी राजीव दीक्षित जी ने दिया कि भाई हम लोगों को क्या करना चाहिए? गोपालन करना चाहिए और गोमूत्र से और गोबर से जो बनी हुई खाद है उसका उपयोग करना चाहिए। मैं एक जगह पे हम लोगों ने थोड़े से पेड़ लगाए हुए, एक जगह पे हम लोगों के पास गाय है तो गाय रखी हुई, सामान्य पेड़ की ग्रोथ मैं समझता हूँ 4-5 साल में इतनी है, लगभग मैं उसको दोनों हाथों से पकड़ सकता हूँ। लेकिन जो दूसरा पेड़ जो गाय के गोबर के पास है वो लगभग इतनी गोलाई का है जिसको कि मुझे ऐसे पकड़ना होता है, एक ही दिन के लगाए हुए पेड़ है। आप समझ सकते हैं कि गोबर और गोमूत्र में कितनी ताकत होती है। ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें सारी की सारी जितनी ये प्रॉब्लम्स हैं इनको हम गाय के माध्यम से दूर कर सकते हैं, गौ माता के माध्यम से दूर कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग हम कैंसर से हटाने में करते हैं, जैसे गोमूत्र की बात की। और ये कहा जाता है कि शरीर में यदि कोई भी दूषित विष या कोई भी विष आता है तो उसको दूर करने का सबसे बड़ा उपाय कि उसको गाय का देसी गाय का घी पिलाइए, पहले उसको उल्टी कराइए और फिर उसको पंचतिक घृत या ऐसे घी, बहुत सारे घृत महर्षि सूक्त ने लिखे हैं जो कि एक तरह से अपामार्ग से लेके उसमें बहुत सारी औषधियाँ जिनसे घृत बनाए गए हैं और अगर घृत के नाम से भी उनको इस्तेमाल किया गया उनका प्रयोग करना चाहिए। और जब भी हम कोई भी चिकित्सा प्रारंभ करते हैं विशेष रूप से हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो हम लोग निश्चित रूप से या तो आरोग्य वर्धन ही देते हैं पहले शुरुआत में,
और घृत का प्रयोग करने के लिए कहते हैं कि भाई आपको गाय के घृत का इस्तेमाल करना चाहिए।